तो यार भाई से पूछा, भाई कहते हैं ये 2.5 लाख रुपए के हैं और ये कनाडा में पाए जाते हैं, ये महंगा शोर का यार, ये सस्ता नहीं है भाई। हेलो एवरीवन, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार आज जुम्मा तो मुबारक है माशाल्लाह, और सबसे पहले हम जुम्मा पढ़ने जाएंगे जैसे कि आपको पता है, फिर देखते हैं हमारा क्या प्लान शैन बनता है। तो यार अगर आप चैनल पर पहली बार है लास्ट भी सब्सक्राइब करके साथ बेल का बटन दबा के आज में कर दो कि आपको मेरा आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं ज़रा बोल आपको नहीं करूँगा, सबसे पहले पढ़ते हैं जुम्मा, और जुम्मा पढ़ने के बाद वापस घर आकर नाश्ता नुश्ता करेंगे, फिर देखते हैं आज के व्लॉग में क्या प्लान बनता है। तो आज का व्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दानिशान व्लॉग। A few moments later. 3 hours later. तो यार मैं उसी शो पे आया हूँ जो लास्ट टाइम आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि मकाओ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? तो यार ये फ्रीकन ग्रेवी बहुत प्यारा है, तो इसके पल वगैरह इन्होंने काट और ये अभी भी यहाँ पे ही है, और लगता है ये मेरे इंतजार में है, मुझे कह रहा है कि दानिश भाई मुझे जिसे खरीद के घर ले जाए। तो यार ये मकाओ तो मुझे पसंद था, और आज ही इन्होंने कोई नया रखा हुआ है, इसका नाम मुझे नहीं पता, और ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा यार, मैं कहता हूँ मेरा दिल आ गया। ये देखो यार क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, तो यार ये भाई कहते ये डांस भी करता है यार। अच्छा यार ये अभी इसने ये कुछ अपना पाले वगैरह खोले थे, पता नहीं क्या, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये देखे आप क्या बात है माशाल्लाह यार, इसकी प्राइस जो है 2.25 लाख रुपये है, और मकाओ की प्राइस भी तकरीबन इतनी ही थी। तो यार इसी शो पे मैं दोबारा आया, कुछ मैंने अपना ये वाला फिशर लेना था जोड़ा, तो ये वाला जोड़ा मैंने ख़रीद लिया, तो मुझे ये पसंद आया यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। तो यार ये मेरा माइंड बन रहा है मैं ये रख लूँ, बहुत जल्दी आपका भाई जो है इसको ख़रीदेगा यार, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पहले भी हैं, इसके नीचे भी मुझे बड़ा पसंद आया पैलेस, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम भी मुझे अभी नहीं पता क्या नाम है। तो यहाँ पे भाई के पास काफ़ी वैरायटी है, पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था, तो आप लोग भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। A few inches later. तो यार ये मैं दूसरी शॉप पे आया हूँ, यहाँ पे फ्रीकन ग्रे का जो है पेड़ पड़ा हुआ, 2,40,000 रुपये इसकी डिमांड है। तो यार लगता है हमें भी 2-3 लाख रुपये खर्चना ही पड़ेगा यार। आप भाई को एक मकाओ लेना है, और एक जो वाइट कलर का देखा वो भी लेना, उस पर सर्च करते हैं उसका क्या नाम है। तो यार दिल आ गया, यकीन करो मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं था, लेकिन अब आके मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब आके आपके भाई को लगता है 4-5 लाख रुपये खर्च ही लेना यार। तो यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ ना, तो एक तो ये गाने वाले मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, तोते ये बोलते बड़े खूबसूरत हैं यार। तो यहाँ पर काफ़ी आपको अदर भी नज़र आएंगे, ये आप देखो पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के हैं, इनका नाम भी नहीं मुझे पता। पहले से मैंने लव बर्ड देखे थे, और तकरीबन ये ऑस्ट्रेलियन तोते देखे थे, लेकिन अब मैंने आके काफ़ी नस्ल के तोते देखे हैं, ये भी बड़े खूबसूरत हैं। ये फिशर है यार, ये भी बड़े प्यारे हैं, ये देखो यार ये कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, कनाडा में होता है। तो यार ये कनाडा में होते हैं, बड़े खूबसूरत है यार माशाल्लाह, क्या बात है यार। और यहाँ पे भी भाई के पास मकाओ पड़ा हुआ है, और ये आप देखें कि वहाँ पे पिछली शॉप में मकाओ देखा था, अभी यहाँ पे भी मकाओ है, और ये भी 2-1.5 लाख से ऊपर ही होगा यार, ये बड़ा महंगा है यार शौक, लेकिन बड़े खूबसूरत है यार ये, मैं कहता हूँ जल्द से जल्द मुझे ये खरीदना ही पड़ेगा। A few hours later. तो यार थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था, और यार इंटरनेट पे मैंने सर्च कर लिया है, उसका नाम है अम्ब्रेला कोका 2, बड़ा ही खूबसूरत है यार, आपके भाई का दिल आ गया यार। और आपके भाई ने अब लाखों रुपए खर्च लेने, उसको खरीद के घर ले ही आना, फिर ही सुकून मिलना है मुझे यार। मुझे आज तक कोई पैलेट इतना पसंद नहीं आया गाइस जितना वो पसंद आया यार, मैंने उसको खरीदना, लेकिन मैं उसका बच्चा खरीदूंगा गाइस, जो मुझे 1-1.25 लाख के रेंज में मिल जाएगा। उसकी प्राइस 2.25 लाख थी, लेकिन मैंने उससे पूछा तो वो कहता है अगले महीने हमारे पास उसके बच्चे भी आ जाएंगे। अच्छा, जिसकी प्राइस 1-1.10 लाख तक होगी, तो मैं खरीद लूंगा यार। तो अभी यार मैं मूवी शूवी देखूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, तो फिर कल उठेंगे, कल देखेंगे हमारा क्या प्लान बनता है, कल तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखूंगा अगर मुझे कोई टिकट मिल गई तो कल यार मूवी देखने के लिए जाएंगे मौला जट, ठीक है, तो वो उसका प्लान बनाएंगे अगर टिकट मिल गई, क्योंकि उसका हाउस फुल रहता है यार, हर हफ्ते उसकी टिकट्स फुल हो जाती हैं यार। क्यों सिनेमा में जाएंगे गुलबर्ग, जैसे पहले भी पिछले भी व्लॉग्स आपने मैंने देखे थे कि मैं वहाँ पर जाता हूँ,
कमाल का सिनेमा, बड़ा ही मजा आता वहां मूवी देखने का। तो यार अभी मैं सोने लगा हूँ, फिर उठेंगे कल, और कल की प्लान भी बनाते हैं, क्योंकि सारे दोस्तों ने मूवी देखा है, ऐसे मैं अभी तक मूवी नहीं देख के आया, तो मूवी का प्लान से हम बनाते हैं, कल देखते हैं क्या सीन बनता है। तब तक के लिए ओके, फिर The next day. Welcome to another day, यार। अभी मैं उठा हूँ, उठते साथ मैंने नमाज पढ़ी है, और अभी हो गया हमारा नाश्ते का टाइम, और नाश्ता दोपहर आपको पता मेरा एक ही है, और नाश्ते के बाद देखते कुछ टिकट वगैरह हमें मोला जट की मिलती है क्या नहीं, क्योंकि आज वीकेंड है, और आपको पता हाउसफुल होता है, अल्लाह करे टिकट मिल जाए और जाके मूवी शूवी देख ले, शुगर वगैरह लग जाएगा। नाश्ता मेरे सामने आ गया, चने या साथ है अंडा, और ये नाश्ता करने में मुझे बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि मेरा फेवरेट नाश्ता है चने, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और अंडा तो आपको पता है बड़ा ही लाजमी है। और सबसे पहले करते हैं नाश्ता, नाश्ते के बाद देखते हैं कि टिकट वगैरह हमें मिलती है कि नहीं। Later. तो यार नाश्ता नुशा मन मन लिया है, और उसके बाद मैंने जाके चेक किया है क्यू सिनेमा की ऐप पे, तो वहां पे मोला जट का पौने नौ का शो था, और एक ही सीट अवेलेबल थी गाय, और मैंने फटाफट जब क्लिक किया तो अब तो सच बोल दे भोसड़ी के, मुझे मिल गई गाइस टिकट। फाइनली यार मैंने टिकट बुक कर ली, फुल हाउस फुल था यार, एक सीट पड़ी थी आपके बाइक का, वो टिकट फाइनली मिल गई है। अब मूवी देखने जाएंगे, शुगर मिला लगाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा यार। और कल जो मैं बर्ड लेके आया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये मैं कल लेके आया उसी शॉप से जिस जहाँ पे वो व्हाइट कलर का कोका 2 था कल, जो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो यार ये बेचारे एक तनहा होते हैं तो फिर बड़े ही उदास बैठे रहते हैं, ये कहते हैं यार हम तनहा नहीं रह सकते क्योंकि हर मेल का फीमेल होता है। अबे भोसड़ी के, तू भी तो मेल है, तेरी फीमेल की तरह है, वो कब आएगी? हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। कोई नहीं यार, टेंशन ना ले, ढूंढ लेंगे अपने लिए भी, ढूंढ लेंगे यार, कोई बात नहीं। तो यार एक ये जोड़ा है ये भी बॉक्स के अंदर है, वरना ये बाहर ही होता, लेकिन आज ये बॉक्स के अंदर है, समझ रहे हो? समझ। तो यार आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करने लगा हूँ, क्योंकि 8:45 का हमारा शो टाइम है मूवी का, तो वो एक डिफरेंट व्लॉग बनेगा, जहाँ से खत्म करूँ वहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो अभी यार मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा, फिर तैयार श्यार होते हैं, फिर तैयारी करते हैं मूवी देखने की। तो मैं ये व्लॉग यहाँ पे एंड करने लगा हूँ, उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बड़ा ही पसंद आएगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन में दबा के ऑल पे कीजिएगा कि आपको मेरे हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से मिल सके। तो यार फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, ओके फिर।